नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य योगेंद्र यादव जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं। योगेंद्र यादव के चुनावी सर्वेक्षण भी कई बार सटीक साबित होते रहे हैं। सफोलॉजिस्ट के तौर पर योगेंद्र यादव एक भरोसे का नाम रहे हैं, तो उन्हें 2010 में बनाए गए शिक्षा के अधिकार कानून की परामर्श समिति का भी सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा योगेंद्र यादव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के सदस्य भी रह चुके हैं। एनसीईआरटी की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में योगेंद्र यादव प्रमुख परामर्शदाता की भूमिका निभा चुके हैं। 1995 से 2002 के मध्य उन्होंने लोक नीति नेटवर्क की स्थापना की और उसके नेतृत्व का काम भी बखूबी किया। इस सबके अलावा योगेंद्र यादव को आपने दूरदर्शन, एनडीटीवी और आईबीएन जैसे न्यूज चैनल्स पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी खूब देखा होगा। 2011 में उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लिया और टीम अन्ना में एक जगह बनाई थी। और अब योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी की तरफ से गुड़गांव से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के मुख्य रणनीतिकार भी माने जाते हैं। पार्टी की रणनीति बनाने में उनके सुझावों को अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो गुड़गांव के चुनावी चक्रव्यूह में फंसे योगेंद्र यादव के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। गुड़गांव के चुनावी चक्रव्यूह में उनका मुकाबला अहिरवाल के दिग्गज नेता और बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह से है। वहीं मेव राजनीति के दिग्गज रहे तैयब हुसैन के बेटे जाकिर हुसैन भी उनके खिलाफ इनेलो की टिकट पर चुनाव में ताल ठोंक रहे हैं। इस सब के अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार राव धर्मपाल भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इस मुश्किल लड़ाई से योगेंद्र यादव कैसे निकलते हैं, कैसे योगेंद्र यादव 14 के चक्रव्यूह के तीखे सवालों के जवाब देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो 14 के चक्रव्यूह में सवालों के चक्रव्यूह का सामना करने के लिए आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार, गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र यादव साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर 14 का चक्रव्यूह कार्यक्रम में। गुजारिश सर आपसे हम यही करना चाहेंगे कि हमारे सवाल थोड़े तीखे, थोड़े टेढ़े हो सकते हैं, कृपया करके उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी सौम्यता और शालीनता के साथ आप इस चक्रव्यूह का सामना करेंगे। पहला सवाल चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अभित आर्या की तरफ से होगा। अभित जी, अपने सवालों के तर्कस से पहला तीर निकालिए। नमस्कार योगेंद्र जी, मुझे उम्मीद है आप भी सभ्यता और शालीनता बरतेंगे इस सारी चीज में। जी बिल्कुल, इस मामले में आप निश्चिंत रहें, इंडिया न्यूज हरियाणा पे कभी भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार का चर्चा या बहस नहीं होती है जहां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाए या कोई बायसनेस के साथ हम कुछ काम करें। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें योगेश जी। मेरा पहला सवाल आपसे, आवाज आ रही है सर आपको? सर आवाज आ रही है? आ रही है, आप पूछिए सवाल। सर मेरा पहला सवाल आपसे, जी मुझे आ रही है, आप सवाल तो पूछिए। जी मेरा पहला सवाल आपसे कि आप जैसा सज्जन संवेदनशील, हेलो, आप जैसा सज्जन संवेदनशील विचारक इस राजनीति के दलदल में कहां से फंस गया? यही तो सारी दिक्कत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पूछा। हमने राजनीति को ऐसा दलदल बना दिया है जिसमें कोई सच्चा आदमी ना जाए, जिसमें कोई संवेदना ना जाए, जिसमें ईमानदारी का कोई काम ना हो। इससे हर बार हम बैठ के इसके ऊपर अफसोस जाहिर करते हैं, हर बार घर में बैठ के हम गुस्सा करते हैं, कैसे हो गए नेता, क्या कर रहे हैं। और जब कोई एक अलग तरह का व्यक्ति आ जाता है तो हम उसके ही पूछते हैं कि भाई तुम यहां क्यों आ गए। आप ही सोचिए ना, आपको तो स्वागत करना चाहिए अगर आप मुझे इतना अच्छा मानते हैं तो। बिल्कुल, आपका स्वागत ही नहीं है और कहीं ना कहीं ये आशा भी है योगेंद्र जी
कि आप जैसे व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो इस देश का भविष्य ही नहीं, इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश का लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा और इस देश के अंदर नई परंपराएं पैदा होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा अपने साथी राजीव जी से कि वो अगला सवाल करें आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। हमारा पहला सवाल यह है कि आप गुड़गांव में एक मुश्किल लड़ाई में फंस गए हैं। अहिरवाल की सियासत में चुनावों में कूदने से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति अब जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब थोड़ी बदल चुकी है। क्या आप ये मानते हैं कि अहिरवाल की सियासत में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में आपके लिए ये चुनाव उत्साह का नहीं एक मुश्किल चुनाव बन गया है? मैं चाहता कि अगर आप पिछले दो दिन हमारे साथ रहते, पिछले दो दिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए थे और वो घूमे थे, वो मेवात में गए, वो रेवाड़ी में गए, वो गुड़गांव में गए, तीन अलग चेहरे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, आप देखते कितना उत्साह था। अहिरवाल के नाम से एक क्षेत्र हमारे मन में आता है लेकिन दरअसल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीन दुनिया है। यहाँ एक वो इलाका है जो मुख्यतः ग्रामीण इलाका है जिसमें कृषिगत समाज बड़ा समाज अहीर है, दूसरा इलाका है शहरी जो गुड़गांव का इलाका है, और तीसरा इलाका है मेवात जो अपने आप में पूरी अलग दुनिया है। इन तीनों से मिला के चुनाव लड़ा जाता है, किसी एक जाति समुदाय का है नहीं। इसके बारे में पुरानी राजनीति के चश्मे इतने पुराने हो चुके हैं, मैं आप सबको बदल दीजिए। केवल यहाँ जाति समुदाय की राजनीति नहीं हो रही है। आप अगर देखते अरविंद केजरीवाल को मेवात में जिस तरह का समर्थन, उत्साह, लोग लबालब टूटे पड़ रहे थे, जिस श्रद्धा से लोग देख रहे थे अरविंद केजरीवाल को, सुन रहे थे, रेवाड़ी शहर में जिस तरह का उल्लास था और गुड़गांव में कल जिस तरह की मीटिंग हुई है, अगर मीडिया देख सके तो मैं चाहता हूं कि वो इस देश की जनता को दिखाए कि कितना हो रहा है और कैसे पुराने जाति वगैरह के समीकरण बिल्कुल बेकार साबित हो रहे हैं। योगेंद्र जी, हमने दिखाया है अपने चैनल से, चैनल के माध्यम से, कि गुड़गांव में, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी को किस तरह का रिस्पांस मिला है, मेवात के इलाके में भी आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है। पिछले दो दिनों में अखबारों में खूब इस बात की चर्चा रही, टेलीविजन पर भी ये खबर दिखाई गई कि काले झंडे आप लोगों को दिखाए गए उस इलाके में। ये जो काले झंडे लोग दिखा रहे हैं सर, ये कौन लोग हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के प्रदेश में, क्यों उस इलाके में जहां से आप चुनाव के मैदान में हैं वहां काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, और क्या इस तरह की घटनाओं से आप जैसे नेता जो सजग भी हैं, चिंतक भी हैं, जो राजनीति के माहिर हैं, कम से कम विश्लेषण में हम कह सकते हैं, क्या उन्हें कोई चिंता होती है? मुझे मीडिया के बारे में चिंता होती है। कल रेवाड़ी में कोई ढाई घंटे यात्रा चली, उस ढाई घंटे में मोहल्लों में, बस्ती में, हुडा कॉलोनियों में लोग सड़कों के सामने लाइन लगा के खड़े थे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के आने का जी। उस पूरी दो घंटे की यात्रा में एक जगह छह लोग काला घंटा झंडा लेके खड़े हुए थे। यात्रा उनके सामने से भी गुजरी, हमने अपील की अपने कार्यकर्ताओं से कि इन बेचारों को सद्बुद्धि दे, इनको कोई एक शब्द न बोले। उनके सामने से गुजरे, मैंने अपना माथा झुका दिया, अरविंद केजरीवाल ने उनपे चार फूल लगा दिए। अब आप बताइए, ढाई घंटे के अंदर वो छह लोग खड़े हुए सबसे बड़ी खबर बन गई। आप ही बताइए, आप तो इस देश को जानते हैं मीडिया वाले, बताइए कोई चाहे आपके ऑफिस के सामने रोज छह लोगों को खड़ा नहीं कर सकता काले झंडे लेके? कितना लगता है दिहाड़ी? डेढ़ डेढ़ सौ रुपए के हिसाब से हजार रुपए तो दिहाड़ी लगी, क्या दिक्कत की बात? नहीं सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि ये मीडिया वालों को क्या हो गया है, सर ऐसा क्या कारण है कि ये वही मीडिया है जिसने आपकी तमाम सारी अच्छाइयों को, खूबियों को, आपकी अच्छी सोच को, आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेके एक आशावान होते हुए इसी मीडिया ने पूरा सपोर्ट ही नहीं किया, बाकायदा आपको पूरी कवरेज दी? आज वही मीडिया अगर कोई आप किसी
जिसको कहते हैं कि आप अगर किसी विषय पे गलत जा रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अगर वो दिखाता है तो मीडिया की बुद्धि खराब होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? और योगेंद्र जी, अगर हम और सरलीकरण इस सवाल का करें तो कुछ इस तरह से कहेंगे कि अब ऐसा लगता है कि दो ध्रुव तैयार हो गए। मीडिया ये कहता है या ये सोचता है कि हमने इनको पहले दिखाया तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, अब जब हम इनकी आलोचना दिखाते हैं तो इनको दिक्कत होती है। आम आदमी पार्टी ये कहता है कि मीडिया बाइस्ड हो गया है। ये दो ध्रुव क्यों तैयार हो गए हैं सर? ये दो जो मान्यताएं हैं वो क्यों एक साथ चल रहे हैं? पहली बात तो मैंने तो बड़ी छोटी और कॉन्क्रीट बात कही थी। मैंने कहा 2.5 घंटा रेवाड़ी में यात्रा निकली, हजारों हजार लोग लाइन लगा के खड़े रहे, उनमें से 6 लोग काला झंडा लगा के खड़े हुए, वो 6 लोग आपके लिए सुर्खी बन गए। अब ये तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा करने लग जाए तो कैसे चलेगा इस तरह की रिपोर्टिंग? अगर ये न्यायपूर्ण रिपोर्टिंग है आप बता दीजिए, इसमें हमारी क्या कमियां आप उजागर कर रहे हैं आप बता दीजिए। दूसरी बात रही मीडिया ने हमें सपोर्ट किया। देखिए, मीडिया ने हमें अन्ना आंदोलन के टाइम सपोर्ट किया, लेकिन जब हमने अंबानी जी का नाम लिया, रॉबर्ट वड्रा का नाम लिया, खासतौर पे जब अंबानी के खिलाफ हमने एक्सपोजे किया, उसके बाद भाई साहब मीडिया को सांप सूंघ गया था। 6 महीने तक कुछ सपोर्ट नहीं किया था, और दिल्ली चुनाव से पहले जब हमें सख्त जरूरत थी, मीडिया ने इतना दुष्प्रचार किया हमारे विरुद्ध, जिसमें आपकी पेरेंट चैनल भी शामिल है, इस दर्जे का दुष्प्रचार किया, मुझे शर्म आती थी देख के कि क्या हो रहा है। जीत गए हम, उसके बाद फिर हमारे गाजे बाजे शुरू हो गए। अब जीते को कौन, उगते सूरज को कौन सलाम नहीं करता। उसके बाद अब जब चुनाव शुरू हुए, फिर 2.5 महीना ये चलेगा, मैं बता सकता हूं। अब आप ये बताइए इसके बारे में क्या किया जाए। मैं समझता हूं सच तो ये है कि इस आम आदमी पार्टी के पास पैसा वैसा तो है नहीं जी, ना हम मीडिया को विज्ञापन दे सकते, और विज्ञापन के सहारे जो दूसरे तमाम बेनिफिट्स होते हैं वो हम नहीं दे सकते। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस देश का पत्रकार बेईमान नहीं है। इस देश के पत्रकार जो कि जमीन पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन पत्रकार का चरित्र और मीडिया का चरित्र दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। मीडिया का चरित्र इस बात से तय होता है कि उसका मालिक कौन है। यहां मालिक हैं जो कि पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, मालिक है जो कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं मैं पार्टी बनाऊंगा, यहां मालिक है जो पार्टियों की टिकट ले रहे हैं और उनकी चैनल उनका अखबार बताता भी नहीं है कि भाई हमारे मालिक फला पार्टी के आदमी है। तो इन चीजों पे कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए। इसके बारे में सवाल उठाएं तो मीडिया क्यों तिलमिलाता है? हमें भी नहीं तिलमिलाना चाहिए आलोचना सुन के, आपको भी नहीं तिलमिलाना चाहिए। ये तो फर्ज है ना लोकतंत्र में, पता तो लगे भाई कि किसका अखबार जो सुर्खियां दे रहा है, उस अखबार का मालिक परसों बीजेपी का टिकट ले लिया है। ये तो मुझे जानने का अधिकार है ना एक श्रोता के नाते। लोकतंत्र के लिए चीजें तो होनी चाहिए। कौन चैनल वाले किसका पैसा लेके क्या चीज चलाते हैं, ये जानने का तो लोकतंत्र में अधिकार है। और मुझे विश्वास है आप जैसे सच्चे पत्रकार मेरी बात का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब मीडिया की साख गिरती है, आम लोग मीडिया और पत्रकार में अंतर नहीं करते, और वो जब मीडिया की साख गिरती है वो पत्रकार को व्यक्तिगत रूप से दोष देना शुरू कर देते हैं, जो गलत है, और मैं चाहता हूं आपकी साख बची रहे। योगेंद्र जी, आप मशहूर सफोलॉजिस्ट रहे हैं और सफोलॉजिस्ट के तौर पर तमाम लोग आपका लोहा भी मानते रहे हैं। आप गुड़गांव में, रेवाड़ी में या फरीदाबाद में जिस तरह की भीड़ का उदाहरण दे रहे हैं, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब आए तो 2-2.5 घंटे लाइन लगी रही, बड़ी अच्छी बात है। रैलियां नरेंद्र मोदी की भी हो रही हैं, रैलियां राहुल गांधी की भी हो रही हैं, दूसरे नेता भी रैली कर रहे हैं, उड़ीसा में पटनायक साहब की भी रैली हो रही है। क्या ये जो भीड़ उमड़ रही है अरविंद केजरीवाल के रोड शो में या आपके कार्यक्रमों में, ये भीड़, ये लोग क्या वोट बैंक में तब्दील होंगे? अक्सर जब आप बहस किया करते थे, अपना नजरिया बताया करते थे, तब ये सवाल अलग अलग स्टूडियो से आपको पूछा जाता था कि ये जो भीड़ है क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगी, क्या ये वोट देने वाली भीड़ है? आज योगेंद्र यादव खुद चुनाव मैदान में हैं, आज उनके नेता के लिए जो भीड़ उमड़ रही है क्या वो भीड़ है जो वोट देने जा रही है आम आदमी पार्टी को? मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं कहूं, दावा करूं होगा, तो ये बिल्कुल एक नेता का पाखंड होगा कि नेता अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। सच मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, लोग आ रहे हैं,
इतना उत्साह से सुन रहे हैं, लोगों की आंखों में कुछ होता है जब वो सुनते हैं आपको, उससे आपको पता लग जाता है क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप जाके देखिएगा राहुल गांधी की सभाओं में वो है लोगों की आंखों में या नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं देख नहीं पा रहा हूं इसका, या नरेंद्र मोदी की सभाओं में है या नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सभाओं का आप कवर करें, मैं समझता हूं देश की मीडिया की ये भी जिम्मेवारी है कि बताए कि उन सभाओं में कितना खर्चा होता है, किस किस तरह के प्रचार के तंत्र उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात बताए कि नरेंद्र मोदी की किसी भी सभा की फुटेज कोई भी मीडिया डायरेक्टली नहीं ले सकता, नरेंद्र मोदी खुद तय करते हैं कि किस एंगल से उनका फोटो खींचा जाएगा। ये सब चीजें तो हमें बतानी चाहिए। तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा बदलेगी या नहीं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं मेरे पास दिल्ली का मिसाल है। दिल्ली में जब ऐसी सभाएं होती थी और जिसके बाद मीडिया ने हमें एकदम खारिज कर दिया था कि ये जाति का समीकरण, इस समीकरण में आप फिट नहीं बैठते, आपका कैंडिडेट हल्का है, ये सब पुराने समीकरण लगा के मीडिया ने हमें खारिज कर दिया था, परिणाम तो अलग आया ना, वैसे ही मेरी उम्मीद इस बार है। योगेन जी, कई सारे विवाद भी आम आदमी पार्टी को लेकर जुड़े हुए हैं बड़े संक्षिप्त काल में, तकरीबन एक डेढ़ वर्ष में। बिन्नीवाला प्रकरण आम आदमी पार्टी में सामने आया, अभी कुछ दिन पहले राखी बिरला से जुड़ा एक विवाद आम आदमी पार्टी ने देखा, उससे थोड़ा दिन पहले कुमार विश्वास और साजिया इल्मी का प्रकरण एक सामने आया, अभी आपके यहाँ गुड़गांव में आपकी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है, तकरीबन 250 लोग ये कह रहे हैं कि वो अब आम आदमी पार्टी के सच को सामने लाएंगे, वगैरह वगैरह। ये जो घटनाएं हैं इन्हें आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या इन घटनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्या आप ये विश्लेषित कर सकते हैं कि ये वो घटनाएं हैं जो ये बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है? क्या एक नई पार्टी में इस तरह की ज्यादा घटनाएं चिंता का सबब नहीं होनी चाहिए? अगर आप राजनीति करते हैं और अगर आप राजनीति ऐसी करते हैं कि पूरा देश उसको देखे तो आपके साथ विवाद न जुड़े, ये असंभव है। आप मीडिया वाले हैं, आप तो जानते हैं विवाद के जरिए ही पब्लिसिटी होती है आमतौर पे, और मीडिया का किसी चीज को कवर करने का तरीका ही ये है, विवाद क्रिएट होता है फिर उसको हवा दी जाती है, वो सब चीजें होती हैं। तो विवाद न हो, आप मुझे इस देश में एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने राजनीति में कुछ भी बड़ा काम किया हो और उसके साथ विवाद ना हुआ। महात्मा गांधी के तो कुछ दर्जनों विवाद तो हुआ करते थे गांधी जी के साथ, बाकी आपके मन में कोई हो तो मुझे बताइएगा। सवाल ये नहीं है कि विवाद है या नहीं है, सवाल ये है कि उन विवादों में कोई सच्चाई है या नहीं है। अब ये जो आपने कहा पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया, मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूं उसमें नीचे ही वही कार्यकारिणी के लोग बैठे हैं जिन्होंने मुझे अभी बताया है कि वो तो एकदम काम कर रहे हैं, उसी कार्यकारिणी के कई सदस्य हैं, इस्तीफा दिया है 2-4 साथियों ने। लेकिन ये मान लेना कि पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया, 200-250 लोग अलग हो गए, अरे भाई दिखा तो दो 200-250 लोग, कहीं हमने पहले भी तो देखे हो कोई काम करते हुए संगठन का। मैं समझता हूं इन चीजों को, अभी आजकल सीजन ये है साहब कि जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिग सम डर्ट फॉर मी, जाओ इस पार्टी के बारे में कुछ ऐसा खोद के लाओ जो थोड़ा सा गलीज किस्म का हो। वो मौसम चल रहा है तो सब तरह के मौसम आते हैं, बसंत भी आती है और बारिश भी आती है, उसके बाद सूरज खिलता है, तो सब मौसम से हमें गुजरना है। विवाद है ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन विवादों पे हमने क्या किया, कैसे उसका हमने सामना किया, कौन से तथ्य हमने सामने रखे, वो महत्वपूर्ण है। योगेंद्र जी, एक आरोप और लगता है आम आदमी पार्टी पर कि जिस तरह की वकालत आम आदमी पार्टी करती थी, ये आरोप मीडिया का नहीं है, ये आरोप विपक्ष भी लगाता है, उन उसूलों से बहुत जल्दी वो हट गए। मसलन आपके यहाँ टिकट वितरण को लेकर बड़ी मारामारी हुई, बहुत सारे ऐसे लोग आपकी पार्टी में आए जो सिर्फ टिकट के लालच में आए थे, टिकट उन्हें नहीं मिली तो फिर वो बागी हो गए या पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। आपके यहाँ ये कहा गया था कि जो उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो पहले कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी और उसके बाद उस राय पर आगे मोहर लगाई जाएगी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण सामने आए जिसमें ये हुआ नहीं। ये जो सारी स्थिति परिस्थिति है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, विवादों को आप दूर कर रहे हैं, आपने ये भी कहा कि राजनीतिक दल में विवाद ना हो ऐसा हो नहीं सकता, नजरिया महत्वपूर्ण है, आप कैसे देखते हैं, लेकिन पार्टी अगर इंटरनल पोजिशन पर
इस तरह से फंस जाती है, अगर इस तरह से उसकी आलोचना होने लगती है, तब फिर आप इसे कैसे देखेंगे? कोई बड़ी पार्टी हो जिसमें टिकट का एक से ज्यादा दावेदार ना हो तो उस पार्टी को भंग कर देना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए, आश्रम में बैठ के फिर माला पढ़नी चाहिए। कोई भी पार्टी होती है, जाहिर है उसमें एक से ज्यादा लोग आते हैं, जाहिर है लोगों की इच्छा होती है, देश सेवा के लिए भी लोगों की इच्छा होती है, भाई मैं ज्यादा काबिल हूं, दूसरा व्यक्ति समझता है मैं ज्यादा काबिल हूं, तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती है, कभी कभार थोड़ी सी ईर्ष्या भी हो जाती है, थोड़ा सा मनमुटाव भी हो जाता है, ये सब चीजें चलती हैं। और एक बिल्कुल नया संगठन जो होता है जैसे आम आदमी पार्टी है, उसमें अभी कुछ एक हिसाब भी नहीं बना है। कोई व्यक्ति जो पंची के लायक होता है वो भी समझता है कि भाई मैं भी एमपी का टिकट का दावेदार हो जाऊं, ये सब चलता है नए संगठन के अंदर, थोड़ा समय लगता है इस चीज को। रही बात कि हमने वो तरीका इस्तेमाल नहीं किया जो दिल्ली चुनाव में हमने किया था, आप शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं पाए हमारी, हमने तो पहले दिन जनवरी के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित किया था कि जो तरीका हमने दिल्ली में किया था लोगों के वोट डलवा के राय लेने वाला, वो तरीका हम लोकसभा में नहीं कर पाएंगे। उसके तीन कारण हैं, एक तो लोकसभा का साइज बहुत बड़ा होता है, दूसरी हमारी मेंबरशिप लिस्ट कायदे से नहीं बनी हुई है, और तीसरा हमारे पास बहुत कम समय है, 500 कैंडिडेट डिसाइड करने हैं। तो हमने कहा था ये संभव नहीं हो पाएगा, पर हमने इतना जरूर कहा था जो दूसरी पार्टियां नहीं कहती हैं कि आप हमारे किसी भी कैंडिडेट में दोष बताइए, हम उसकी जांच करवाएंगे, जांच में गलत पाए गए उनको हटाया जाएगा, और हमने हटाया कई कैंडिडेट्स को जांच में दोष पाए जाने के बाद। मेरा ये एक सवाल है योगेन जी आपसे कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है? अभी संगठन को खड़ा होने देना चाहिए था, अभी और परिपक्व होने देना चाहिए था, अभी और नेटवर्क को या कार्यकर्ताओं को जिसको कहते हैं कि उनका जाल बिछाना चाहिए था, तब जाके लोकसभा के चुनाव में उतरना चाहिए था और दिल्ली को अपनी कार्यशाला समझ के दिल्ली को आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, जिस प्रकार से मोदी के बारे में कहा जाता है कि गुजरात को उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया, एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने काम किया, उस काम के विश्वास के बल पे पूरे देश भर में वो आज अपनी बात को रख रहे हैं, उसी प्रकार से आपको भी दिल्ली में काम करके उसके बाद देश की जनता के पास जाना चाहिए था, आप लोगों ने थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं की? ऐसा मेरा आपसे सवाल है। मोदी जी ने कैसी प्रयोगशाला बनाई और उन्होंने क्या उदाहरण पेश किया, ये अलग बहस का मुद्दा है। मैं कहूंगा भगवान बचाए ऐसे मॉडल से पूरे देश को। ये तो बहुत पब्लिसिटी स्टंट है, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी इसके अंदर की गई और मीडिया इतना इन सब चीजों में विश्वास कर लेता है पता नहीं क्यों। मगर आपका जो मूल सवाल है वो उसमें ये बात है कि दरअसल इस पे दो राय थी शुरू से, रही संगठन के बाहर भी संगठन के अंदर भी। एक राय ये थी कि सिर्फ बहुत थोड़े इलाके पे फोकस किया जाए, दूसरी राय ये थी कि पूरे देश भर में उत्साह है और उसको पूरे देश भर में हम टैप करें। मैं समझता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर, कौन सही कौन गलत, हम शायद 10 साल के बाद दे पाएंगे। ये बहुत बड़े फैसले होते हैं, इससे क्या देश भर में फर्क पड़ता है? तमिलनाडु में जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उन्हें जाके बोले कि ना तमिलनाडु में अभी नहीं आएंगे, 5 साल इंतजार करो, 5 साल बाद वो हमारे को याद भी रखेंगे या नहीं? जो उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तो दो इसके बारे में राय थी, दोनों राय में दम है, आपकी राय में भी दम है, लेकिन हमने बहुत सोच समझ के दूसरा रास्ता अख्तियार किया। इस दूसरे रास्ते के कुछ नुकसान है, ये कि हमारी थोड़ी सी ऊर्जा बहुत बिखर जाएगी, उस नुकसान ये भी है कि लोग तरह तरह की रीडिंग लगाएंगे, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि दीर्घकाल में पूरे देश में एक राजनीतिक विकल्प देना जो कि आम आदमी पार्टी का काम है, उसमें मजबूती आएगी। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैंने बहुत नजदीक से आम आदमी पार्टी को देखना, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी चीजें, मैं ये मानता हूं एक पत्रकार होने के नाते और एक ईमानदार पत्रकार होने के नाते, मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने इस देश की राजनीतिक दलों को जिसको कहते हैं मजबूर कर दिया है बहुत सारी चीजों में ठीक होने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है योगेश जी आपसे कहना है कि आपको दिल्ली में कांग्रेस से समर्थन के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए थी,
क्या आपको लगता नहीं है कि ये आपकी एक भूल थी? आपको 6 महीने और रुकना चाहिए था, दोबारा चुनाव होता, ये दिल्ली की जनता आपको पूरे बहुमत के साथ भेजती और आप काम करके दिखा सकते। आज जो आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग भाग गए, आप लोग दिल्ली की सरकार नहीं चला पाए, आप लोगों को सरकार नहीं चलाना आता, आप है डिलीवर नहीं कर पाए, आप डिलीवर नहीं कर पाए, ये सारे आरोपों से आप बच सकते थे, क्या वो कहीं ना कहीं वो एक चूक थी? आप ऐसा मानते हैं? आप भूल गए वो दिन जबकि इन सब पे चर्चा हुआ करती थी, पहले 7-8 दिन जबकि ये फैसला होना था, 10-12 दिन कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए या ना बनाए। और आपको याद है उन दिनों मीडिया एग्जैक्टली वो बातें कह रहा था जो आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भाग रही है, जिम्मेवारी से भाग रही है, इस अपनी सरकार नहीं बनाएगी, एक मौका है डिलीवर करके दिखाना चाहिए। और बीजेपी ने तो बाकायदा इसका एक लंबा चौड़ा अपना यंत्र, बीजेपी का बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है, तो वो उन्होंने तो ऑलरेडी तब लगा रखा था। तो यही अरुण जेटली पहले हमें कहते थे कि देखो ये लोग सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि भगोड़े हैं, इनको मौका है, मौके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस दिन बना लिया वही पलट के बोले देखो मैंने कहा था ना सत्ता की लालचियां बनाएंगे। फिर जब हमने इस्तीफा दिया, हम इस्तीफा न देते तो ये रहता कि देखो कुर्सी पे चिपक गए ना, पहले ही बताया था मैंने, छोड़ दिया तो कहा भगोड़े हैं। ये वो मैं कई बार कहानी सुना चुका हूं साहब, वो एक गधा था और बाप बेटा था, वो वाली कहानी थी, जो हम करेंगे वो तो गलत होगा ही होगा, अब हो सकता है उसमें से कुछ चीज वाकई गलत हो, लेकिन जीवन में जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं कि आप जो भी निर्णय लें उसको कोई ना कोई तो गलत बताएगा, और राय देने वाले समझ देने वाला सड़क पे हर व्यक्ति होता है, इसमें आप अपनी आत्मा में झांकी, आपके विचार से सबसे ठीक काम जो है वो आप कर दीजिए और उसके बाद हाथ जोड़ लीजिए, कहिए देखिए इतिहास इसका न्याय करेगा। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ, दूसरे क्या कह रहे थे या दूसरों ने क्या आरोप लगाया या किस तरीके से उन्होंने पहली परिस्थिति में आपको क्या कहा या दूसरी परिस्थिति में आपके बारे में क्या विचार रखे, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये निर्णय, आप कहीं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये गलत हो गया आपको वैचारिक तौर पर, क्योंकि आपकी मूल ताकत, आप लोगों की मूल ताकत आपकी सच्चाई है, आपका विचार है, जिस कारण से आप दूसरों से अलग नजर आते हैं। अभी सत्ता पूरी तरीके से आपने देखी या चखी नहीं है, उसके बाद की क्या परिस्थिति बनती है वो बाद में पता लगेगा और देखा भी जाएगा और इतिहास बताएगा भी, लेकिन अभी की परिस्थितियों में जिस प्रकार से आप जैसा व्यक्ति जो सच्चाई की राह पे है, सच्चाई की राह के साथ साथ संवेदनशील व्यक्ति है, आपको लगता नहीं कि ये आप वैचारिक तौर पर कमजोर पड़े ये निर्णय लेके कि कांग्रेस से आपने समर्थन लिया? मैंने उस वक्त भी कहा था, बाद में भी कहा, ये जो सरकार बनाने न बनाने का फैसला था उसमें महत्वपूर्ण बात ये नहीं थी कि निर्णय क्या हो, महत्वपूर्ण बात ये थी कि निर्णय कैसे हो। हमने जनता की राय ली, जनता को इस निर्णय में शामिल किया, और अगर जनता की राय में हम थोड़ा सा तिया पांचा करते, कुछ हेर फेर करते तो आप मीडिया वाले हमारी गर्दन पकड़ लेते, सारी दुनिया के सामने हुआ था वो चीज। जनता की राय ली, हम सचमुच दुविधा में थे, ऐसी स्थिति थी जिसका हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, जिसका हमारे पास कोई अनुमान नहीं था, एक नई परिस्थिति में गए, धर्म संकट था, जनता के पास गए, उनसे पूछ लिया कि आप बताइए क्या करें, उन्होंने मैंडेट दिया कि बनाओ, लेकिन कुछ साथ में शर्त लगा के कि इन इन चीजों के लिए बनाओ, उन्होंने वो कहा, हमने बना ली, जो शर्तें उन्होंने लगाई थी वो शर्त पूरी नहीं कर सके तो वापिस आ गए। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं होती कि फैसला क्या हो, फैसला किस प्रकार से हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। योगेंद्र जी, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि प्रचार की थकान आप पर थोड़ी सी हावी है, वो दिखाई भी दे रही है आपकी बातचीत में, बहुत स्वाभाविक है। हम 2-3 बड़े साफ सवाल करना चाहते हैं सर, गुड़गांव में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, एक, और क्या गुड़गांव में इस बार जो जाति प्रचार की थकान ही नहीं, दरअसल मैं थोड़ा बीमार भी रहा हूँ जी जी जी, गुड़गांव में जो जाति की राजनीति है क्या वो टूटेगी इस बार? और ये सवाल हमारा दोनों नजरिए से है, एक सफोलॉजिस्ट से भी ये सवाल है और एक नेता से तो है ही जो अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहा है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो जाति की राजनीति है ये गुड़गांव में टूटेगी,
बाकी लोग तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे मुझे नहीं लगता। मेरे बाकी प्रतिद्वंदियों ने तो बाकायदा हिसाब लगा के बता दिया है कि मेरा हिंदू वोट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मेरा मुस्लिम वोट इस बार घट जाएगा, वो जैसी भी कैलकुलेशन करें। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, संयोग से मैं इस इलाके की एक जाति से हूँ जो अहीर यादव जाति कही जाती है, मैं एक बात बता सकता हूँ कि मुझे जो वोट मिलेंगे वो तमाम जाति समुदाय से लगभग बराबर मिलेंगे। और आप देखिएगा बाद में एग्जिट पोल वगैरह भी आ जाएंगे, ऐसा भी संभव है कि जिसे आप मेरा समाज कह रहे हैं उससे ज्यादा वोट मुझे अन्य समाज में मिले, और वो होता है तो मुझे अपनी राजनीति की सच्ची सफलता उस दिन दिखाई दे। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी एक आरोप सर, चूंकि इसी बात से जुड़ा हुआ है योगेंद्र जी, एक आरोप आप पर विपक्षी लगाते हैं, कई बार वो सुनने में बड़ा गंभीर लगता है और कई बार बड़ा हल्का भी, आप जैसी शख्सियत के सामने। विपक्षी ये कहते हैं कि योगेंद्र यादव ने भी अपने चुनाव क्षेत्र के लिए वही इलाका चुना, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी जहां यादव बाहुल्य है। मैं भी यही सवाल करना, क्या ये सही है? इस आरोप में कितना दम है या आप इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं? आप ये बताइए, मेरा जन्म हुआ गुड़गांव में, मेरा गांव है, और गांव नाम के लिए नहीं, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहां रहते हैं भाई, वो सहारनवास है जो रेवाड़ी इलाके में है, जो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मेरी सारी नाते रिश्तेदारी यहाँ है। पिछले 10-12 साल जो हरियाणा संपूर्ण क्रांति मंच का काम किया है, ज्यादातर काम इस इलाके में किया है। आप बताइए मैं कहाँ जाऊं, बनारस जाऊं चुनाव लड़ने, मैं त्रिवेंद्रम जाऊं चुनाव लड़ने, अगर मैं कहीं और जाता, अगर मैं जाके बिहार में मुंगेर में लड़ूं और वहां यादव ज्यादा हैं, तब तो आप कह सकते हैं कि देखिए जाति की कैलकुलेशन करके गए। अगर मैं अपने घर में चुनाव लड़ रहा हूं तो आप ही बताइए मैं कहां जाऊं, घर में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्या? अगर कहीं जाते तो आप ही कहते बाहरी व्यक्ति आ गया है यहां पे। तो साहब मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं चुना, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने मुझे चुन दिया है। अच्छा सर ये बताइए कि चूंकि आप चुनाव विश्लेषक भी रहे हैं और अब चुनाव लड़ भी रहे हैं, क्या फर्क है चुनावों का विश्लेषण करने में और चुनावों के मैदान में उतरने में, यानी वोटर की नब्ज टटोलने में और वोट मांगने में कितना बड़ा फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है भाई। और एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये कि मुझे राजनीति के बारे में कितना कम ज्ञान था। राजनीति समझ ये अपने आप में खामखाम पंडिताई करते हैं, अपने आप को पता नहीं हम क्या समझते हैं, लेकिन जब आप जमीन पे जाओ तो आपको समझ आता है कि आपको कितना कम पता है। तो मुझे तो, मेरे लिए तो ज्ञान चक्षु खुले हैं, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है, और दूसरा इतना स्नेह मिला है पिछले महीने भर में कैंपेनिंग में, इतना स्नेह मिला है सब लोगों से, ये जीवन की पूंजी है। काम बहुत योगेंद्र जी, कोई एक दो घटना आप शेयर करना चाहेंगे? बताया था, मैं बार में कहता हूं, पहले भविष्य बताने का काम शेयर करना चाहेंगे। जब आप स्टूडियो में चुनाव का विश्लेषण करते हो, भविष्य बनाने का काम, तब एक चीज को एक नजरिए से देखते हो, मुश्किल है और बहुत सुंदर भी है जी। योगेंद्र जी क्या आप कोई उदाहरण रखना चाहेंगे, जब आप स्टूडियो में हो तब एक चीज को एक नजरिए से देखते हो, और आज जब आप चुनाव क्षेत्र में पहुंचे, लोगों के दरवाजों पर पहुंच रहे हो, तब स्थिति दूसरी तरह की दिखाई देती हो? बिल्कुल, पहला तो भाषा और मुहावरे का फर्क है। ये स्टूडियो में आप और मैं जो भाषा बोल रहे हैं, ये तो जमीन पे कोई बोलता नहीं है, इस भाषा का कोई मतलब नहीं है वहां पे, वहां लोगों की दूसरी भाषा है, उनका अपना। भाषा का मतलब सिर्फ डायलेक्ट से मेरा ताल्लुक नहीं है, भाषा मतलब लोगों का दुख दर्द, लोगों की अपनी पीड़ाएं। और ये स्टूडियो में बैठ के कहना कि 15% वोट स्विंग हो गया या 4% वोट स्विंग हो गया, और वो 4% को जमीन पे होते हुए देखना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, सचमुच मेरे लिए तो बहुत बड़ी शिक्षा रही है। योगेंद्र जी एक आखिरी सवाल, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, पिछले कुछ दिनों में जो सर्वेज होते हैं उन पर भी कई सवाल उठे, स्टिंग ऑपरेशन सामने आए, आप जैसा सेफोलॉजिस्ट जब इस तरह की स्थिति देखता है तो उसे क्या लगता है?
बहुत बुरा लगता है। मैंने इतने साल सर्वेक्षण किए और हर सर्वे में आमतौर पे लोग कह देते थे आप दिखाइए कांग्रेस जीत रही है, तो लोग कहते थे कांग्रेसी हो गए। अगली बार दिखाइए बीजेपी आ गया, तो लोग कहते अरे तुम बीजेपी के साथ हो गए। ये सब चीजें चलती थी और मैं इस पे हंसा करता था और डिसमिस कर देता था। मैं कहता था भैया ये तो साख का धंधा है, जो ईमानदारी से नहीं करेगा उसकी तो दुकान बंद हो जाए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। योगेंद्र जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी 14 का चक्रव्यूह में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आज आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको 14 का चक्रव्यूह में घेरें और कुछ तीखे सवाल हम आपके लिए लेकर आए। बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातचीत रखने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि 14 का चक्रव्यूह में एक और नई शख्सियत होंगे, दुष्यंत चौटाला। ब्रेक के उस पार। We'll be right back.